गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेसन 4 एडजेक्टिव कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग आगे का काम करेंगे। आगे है पजल टाइम। ठीक, देखो इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ये तो पढ़ाई थोड़ी ना, ये तो गेम है। सो कैसे देखो सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पर क्लूज दिए गए हैं, उसके बेसिस पे आपको इसको पहचानना है। आई गो अप वेन द रेन कम्स डाउन, जब बारिश आती है तो मैं ऊपर जाता हूँ। वॉट एम आई, दिस इज अम्ब्रेला, है ना। अम्ब्रेला छाता खोलते हैं ना ऊपर, तो देखो यहाँ पर अम्ब्रेला लिखेंगे। यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला। ठीक, नेक्स्ट देखो। आई एम अ बिग ग्रीन हाउस, इनसाइड द बिग ग्रीन हाउस देयर इज अ बिग ब्राउन हाउस, इनसाइड द बिग ब्राउन हाउस देयर इज अ बिग वाइट हाउस, इनसाइड द बिग वाइट हाउस देयर इज अ पूल। देखो एक बड़ा घर हरे रंग का, उसके अंदर एक ब्राउन कलर का घर, फिर उसके अंदर एक वाइट कलर का घर, और उसके अंदर घर के अंदर एक पूल है। वॉट एम आई, दिस इज द कोकोनट। देखो कोकोनट पहले ऊपर से ग्रीन, फिर अंदर से ब्राउन, फिर वाइट, फिर उसके अंदर पानी होता है ना। दिस इज द कोकोनट, C O कोको और फिर नट लिख लो, हो गया। आई कॉल एंड यू आंसर मी, मैं तुम्हें बुलाता हूँ और तुम आंसर करते हो। बट आई नेवर टॉक टू यू, वॉट एम आई, दिस इज द टेलीफोन। ठीक, दिस इज द टेलीफोन। वाह, आप देखो यहाँ आई ग्रो व्हेन आई ईट, जब मैं खाता हूँ तो मैं बड़ा होता। बट आई डाई व्हेन आई ड्रिंक, जब मैं पीता हूँ तो मैं मर जाता हूँ। व्हाट एम आई, क्या है, फायर ना। आई हैव एन आई बट आई कैन नॉट सी, व्हाट एम आई, मेरे पास एक आँख है लेकिन मैं देख नहीं सकता हूँ। दिस इज द निडल। ठीक, यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है, उससे भी आप लोग इसको पहचान सकते हो। ठीक है, चलो अब ये खेलेंगे हम लोग क्रॉसवर्ड पजल। अक्रॉस मतलब हॉरिजेंटली, डाउन मतलब ऊपर से नीचे। तो पहले हम लोग अक्रॉस करते हैं। द अपोजिट ऑफ फास्ट, फास्ट का अपोजिट क्या होता है, स्लो। तो यहाँ स्लो भरेंगे, SLOW। देखो ये सेकेंड वाला। द अपोजिट ऑफ रिच, रिच का अपोजिट पुअर, है ना। द अपोजिट ऑफ फर्स्ट, दिस इज द लास्ट। सेवन, द अपोजिट ऑफ लो, दिस इज द हाई। ठीक, एट वाला। द अपोजिट ऑफ नॉइसी, दिस इज द क्वाइट, हो गया। ठीक, फिर अगला है द अपोजिट ऑफ वाइट, 12 वन द अपोजिट ऑफ, पहले 10 वाला। द अपोजिट ऑफ फैट, दिस इज द थिन। द अपोजिट ऑफ वाइट, दिस इज द ब्लैक। फोर्टीन, द अपोजिट ऑफ क्लीन, दिस इज द डर्टी। वाह, 16, द अपोजिट ऑफ इजी, दिस इज द हार्ड। एंड 18, द अपोजिट ऑफ शॉर्ट, दिस इज द लॉन्ग। ठीक, हो गया, अक्रॉस हो गया। अब हम लोग डाउन वाले में करते हैं ना। अपोजिट ऑफ सैड, दिस इज द हैप्पी, HAPPY, हो गया। अब ये 3 1, द अपोजिट ऑफ ड्राई, दिस इज द वेट, WET, वेट। 5, द अपोजिट ऑफ लेफ्ट, राइट, RIGH, और टी तो पहले से लिखा हुआ है ना। फिर 6 1, द अपोजिट ऑफ डार्क, तो ये हो जाएगा लाइट, LIGHT, लाइट, हो गया।
नाइन्थ वाला देखो, द अपोजिट ऑफ लेट हो गया, तो अर्ली, ई ए आर एल वाई, अर्ली हुआ। इलेवन, द अपोजिट ऑफ फॉर, तो नियर, एन ई ए आर, नियर। थर्टीन, द अपोजिट ऑफ हॉल्ड, दिस इज हॉट, दिस इज द कोल्ड, सी ओ एल डी, कोल्ड। द अपोजिट ऑफ ओल्ड, तो दिस इज द यंग, वाई ओ यू एन जी, यंग हो गया। सेवनटीन, द अपोजिट ऑफ एम्प्टी, तो दिस इज द फुल। ठीक, ये हमारी क्रॉसवर्ड कंप्लीट हो गई। ये पजल टाइम के सारे जितनी भी दी हुई थी पजल्स, उनको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, प्रोनाउंस। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय।